भाई लोग आ चुके हैं हम चोपता और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। अबे धुआं निकल गया। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है अपना, 4 किलोमीटर का ट्रैक है और उसके ऊपर 1 किलोमीटर प्लस चंद्रशिला। और यहाँ पीछे बहुत सारे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, पूरी रेंज है हिमालय रेंज। हाँ भाई क्या तैयारी है अंश बाबू? तो भाई लोग अब निकल रहे हैं, देखो टैक्सी से। अभी रास्ते में दिखे कुछ पहाड़ बहुत सुंदर से, यही इन पेड़ों के पीछे है। और पूरी रेंज है, बहुत सारी पहाड़ है एक साथ, बर्फ है। आज तक हमने इतनी बर्फ कभी नहीं देखी। भाई लोगों ट्रैक स्टार्ट कर दिया है तुंगनाथ का। ये हमारा ग्रुप है पीछे, बोलो क्या बोलेगा। बोल तो भाई लोगों, घोड़े वाले बता रहे हैं एक साइड से 800 रुपए और दोनों साइड से कितने, 1200 रुपए। तो हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं जाने वाले, तो कुछ कंसेशन की उम्मीद है, तभी बैठेंगे। भाई लोगों इन पेड़ों के पीछे पूरी रेंज है, जितने माउंटेन सब स्नो से ढके हुए हैं। अभी जस्टिस तो होगा नहीं, पहले पेड़ तो हटे, जब थोड़ी सी हम हाइट पे जाएंगे तो दिखेगा। okay. और 4 किलोमीटर का ट्रैक ये है, इसके बाद 1 किलोमीटर का चंद्रशिला का ट्रैक है, वहाँ से पूरी केदारनाथ वैली दिखती है। सही बात है भाई, और बहुत प्रॉपर लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। मेरे पास बैग है इसलिए मेरी सांस तो चढ़ेगी ही चढ़ेगी। बाकी हमारा ग्रुप है, जगह जगह पर ग्रुप में कौन कौन नहीं आया? एक तो मेरे पापा नहीं आए, इन बच्चों के पापा नहीं आए, और बाकी सब आए ना, बाकी सब आए हैं। तो भाई लोगों हमारा ग्रुप जो 10 मेंबर का है उसमें एक मेंबर की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए 9 मेंबर हम आए हैं। तो देख लो क्या लोकेशन है। हमारे ग्रुप की लेडीज आ रही हैं, जेंट्स पीछे रुक गए हैं, बच्चे पार्टी आ गया है। और देखो घोड़े आ रहे हैं, साइड जाओ, साइड जाओ भाई, हजार साइड। और पैसे हम तुम ना था ऐसे 4 किलोमीटर, चलो चलो हल्के हल्के चलो आगे, 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब वहाँ पे जब पहुँचेंगे बैठने वाली जगह पे तब हो जाएगा। तो भाई लोगों जब चंद्रशिला पे पहुंच जाएंगे तो हमें ड्रोन की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऐसे मोबाइल से दिखा सकते हैं हम। समझ रहे हो ना, घोड़ा आ रहा है घोड़े पे। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ग्रुप में से चंद्रशिला पे जाएं, मगर मुझे लगता है कि हम 2 ही लोग जाएंगे या फिर इनके बच्चे भी जा सकते हैं। तो अगर ये बच्चे गए तो हम 4 लोग होंगे जाने वाले, और बाकी समय बताएगा क्या हो रहा है ऊपर जाके। देखो ये बर्फ, देखो पीछे घोड़े आ रहे हैं, घोड़े रुक जाओ। रास्ते में हाइट थी बीच में जगह, माइलस्टोन पर लिखा था 12700, तो ये तो करीब 12900 के आसपास तो हो गई होगा जो मंदिर है। भाई लोगों दे हैव डिसाइडेड,
फॉर रेंटिंग अ हॉर्स। तो भाई लोगों चचा कह रहे हैं कि जब मैं घोड़े पे बैठूंगा तो मुझे वीडियो में ज़रूर ले लेना। अब देखो इसमें से कितने लोग घोड़े पे बैठते हैं और कौन कौन पैदल आता है। और हाँ लेकिन अभी घोड़ों ने हक दिया है। तो भाई लोगों इन चंगू मंगू के गार्डियंस कह रहे हैं कि भाई या तो साथ में चलो और अगर आगे जा रहे हो तो फिर वापस मत आओ क्योंकि वैसे ही ट्रैक मुश्किल है। और ये डबल डबल करेंगे ऊपर भी जा रहे हैं फिर नीचे भी आ रहे हैं हम लोगों के लिए। इसी के साथ हमारे मामा के बेटे के मामा आगे चलते जा रहे हैं। अरे क्या डायलॉग मारा मामा के बेटे के मामा समझ रहे हो ना। ठीक है जा रहे हैं देखो मामा के बेटे के मामा हमारा ग्रुप रीअसेंबल हो चुका है। अंश वारा है पीछे बाकी दो लोग ये और दो लोग ये और देखिए हमने जैसे कही थी अंश के मामा आ गए हैं। अच्छा ये बात तो पता ही नहीं थी किसी को। तो भाई लोगों हमारे चाचा ने और इन बच्चों की मम्मी ने घोड़ा बुक कर लिया है। देखो पीछे आ रहे हैं अभी दिखाते हैं उनसे बात भी कराते हैं। ठीक है देखो आवाज दी उन्होंने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय शंकर बम 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 भोले 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 बम बम भोले। देखो मैंने पिछली एक हमारा छोटा भाई जा चुका है। हाँ साढ़े तीन मेंबर हमसे आगे हैं दो पीछे हैं बाकी दो पीछे हैं और ढाई हम चल रहे हैं ढाई नहीं तीन समझो। हाँ तो अंश भाई कैसा लग रहा है आगे भाई अभी तो पता नहीं है तो बहुत कुछ लग रहा है आगे का पता नहीं क्या लगेगा। अभी हम दोनों का प्लान है चंद्रशिला जाने का और शायद पूर्ण आज तक ही। हाँ और ये वाला जो दाई, हम दाई। दस लोगों का टूर है आपको ये यहीं आज एंड हो जाएगा और हम दोस्तों कंटिन्यू नहीं सकते हमारा सबका प्रोग्राम किधर ना कहीं बन सकता है चंद्रमुख मगर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि हम दो जाएंगे नहीं बाकी देखते हैं भगवान आधा के दर्शन किस किस को होते हैं। ढाई दस साल में पहुंच जाएगा भाई लोगों के पीछे तीन लड़के आ रहे हैं ये हरिद्वार के इनसे बातचीत हुई है बता रहे हैं कि केदारनाथ होके आए हैं अभी ये और अरे यार डुकू को देख ले दोनों ने चढ़ जाए बिल्कुल तो शिवलिंग के दर्शन अंदर से नहीं हो रहे छू के नहीं हो रहे बाहर गेट से ही हो रहे हैं ऐसा इनका कहना है। और ये कह रहे हैं कि बर्फ यहाँ से ज़्यादा है तो होप करते हैं कि हम जाएँ तो हम अंदर से दर्शन करें छू के बाकी जैसी भोले की मर्जी। उन्होंने बताया दो रास्ते कटेंगे एक नीचे को एक सीधा जाएगा बाएं हाथ को बाएं हाथ वाले घूमना बस। अच्छा नहीं तो 21 है और वो 16 है अच्छा ये फर्क है
क्योंकि जब मैं गया था मैं गया छोटे वाले से था, आया लंबे वाले से था, तो ये फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ गया बहुत, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का बहुत फर्क है। सही बात है। और हम चढ़ के आए हैं तो हम जा रहे हैं, हमें पता लग रहा है वैसे भीड़ है नहीं है, भीड़ खाली है, खाली है, नॉर्मल है। लेकिन 600 को देने से अच्छा रजाई गद्दा सब मिलेगा, बेड मिलेगा, अच्छा वो बेहतर है। हाँ सही बात है। कितने लोग हो आप? हम वैसे 10 मेंबर हैं मगर 2-3 ही जाएंगे। 3 जाओगे ना? हाँ। 12 करके हो जाएगा थोड़ा। अच्छा अच्छा 500 चलेगा। ओम नमः शिवाय। आराम से रूम मिल जाए, रूम लेना, बात खत्म। और मंदिर के पास में ऐसी छोटे छोटे नन्हे नन्हे कमरे बने हुए हैं जैसे प्रसाद वालों के, ऐसी जगह लेना था। और कुछ ना मिला स्लीपिंग बैग में, स्लीपिंग बैग तो चलो खैर कोई बात ना, स्लीपिंग बैग हो, रूम हो, बेड, कुछ भी जो भी है, ये टेंट वाले, मगर ये कहना दर्शन भी दूर से है। हाँ वो बेकार, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। मतलब तुम तो खुद कह रहे इतनी दूर से जाओ दर्शन भी होना पाए, छू भी ना पाओ, बस दूर से दिखेंगे। हाँ हम तो भैया मई मई बनाएंगे प्रोग्राम, खुलते कबाट। तो भाई लोगों सूत्र से पता लगा है, जो केदारनाथ फिल्म में केदारनाथ का जो मेन सॉन्ग है नमो नमो वाला, वो यहीं शूट हुआ है। देखो लोकेशन देखो आप, आउट ऑफ द वर्ल्ड। पीछे बर्फ के पहाड़ है, देखो यहीं पे शूट हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले, 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 बम बम बोले। यार यहाँ घर होना चाहिए। हाँ। किराए पे ले लो। बना लो ऊपर। भाई लोगों इस वाली लोकेशन में बहुत सारी फोटोज खींची हम लोगों ने, वीडियो भी बनाई है थोड़ी सी, और मज़ा आ रहा है ट्रैक करके। देखो इस पर लिखा है चंद्रशिला का पौराणिक महत्व। वापसी में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ रहे, आराम से देखो। बर्फीली श्रृंखलाएं, स्नोई रेंजेस, यहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे तक सब बर्फ ही बर्फ है। अरे उम्मीद है कि तुंगनाथ महादेव मंदिर के आसपास भी बर्फ होगी या चंद्रशिला पे हो सकती है, बाकी भगवान की इच्छा है कि कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं। तो भाई लोग देखो ऐसा ट्रैक है, दिख रहा है ऐसा, और केदारनाथ के नमो नमो की शूटिंग यहाँ हुई है। ऐसा सूत्र है, ऐसा सूत्रों से पता लगा, जो सूत्र है जो मेरे ग्रुप के मेंबर है वही बता रहे हैं, पता नहीं उस बात में कितना दम है। ऐसे चांसेस यही कि यहीं पर हुई होगी शूटिंग। हर हर महादेव। सो भोले के भक्तों, आई जस्ट वांट टू सजेस्ट ऑल यू समथिंग, डोंट टेक अ शॉर्टकट, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली फॉल, एंड फ्रैक्चर विल हैपन। सांस फूल गई यार।
मैं अपनी वीडियो में ये बता रहा हूँ कि शॉर्टकट मत लो, मेरे ग्रुप के ही मेंबर दबा दबा शॉर्टकट ले रहे हैं, इलॉजिकल। बोले के वक्त आई एम एडवाइजिंग देम नॉट टू टेक अ शॉर्टकट बट स्टिल द रिजल्ट इज 00। बच्चा पार्टी तो शॉर्टकट लेके ही मान रही है, लेकिन आप फिलहाल मैं तो लूंगा नहीं शॉर्टकट, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है अपने पास, बहुत टाइम है, अपना टाइम आएगा, हमने हमने और अपने टाइम आ चुका, देखो पीछे अपना टाइम आ चुका, देखो हम हमने दोबारा से हमारे ग्रुप के मेंबर शॉर्टकट लेते हुए सो लेडीज एंड जेंटलमैन्स आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ लॉन्ग कट इंस्टेड ऑफ अ शॉर्टकट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टाइम, अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसी बात पे पीछे का व्यू देख लो। और हमारे ग्रुप के मेंबर्स लड़ते झगड़ते हुए जो आगे चले गए वो तो सेफली पहुंच गए होंगे, जो पीछे हैं उसमें दो बच्चे हैं चार में से, अब वो शैतानी कर रहे हैं बार बार, और शैतानी का रिजल्ट क्या है कि वो फिसल सकते हैं या उनकी चोट लग सकती है, और बार बार वो शॉर्टकट ले रहे हैं, कोई खास चीज़ और वो हमसे आगे चले जाते हैं फिर पीछे हो जाते हैं। तो भाई लोगों आई एम कन्फ्यूज अबाउट व्हाट शुड आई से, केदारनाथ जाऊं या नहीं जाऊं, इफ अगर दर्शन अंदर से नहीं हो रहे होंगे, शिवलिंग को छू के नहीं हो रहे होंगे तो रिजल्ट हो सकता है ना जाऊं, हो सकता है जाऊं, अभी के लिए कन्फर्म नहीं है। लोगों करीबन आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है हमने तुंगनाथ ट्रैकिंग का, आधे से थोड़ा ज्यादा हो चुका है, इनके हिसाब से आधे से ज्यादा हो चुका है, मेरे हिसाब से आधे ही हुआ है, और अपने ग्रुप के तीन मेंबर अभी पीछे हैं, तो वो पीछे ही हैं अभी क्योंकि वो ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं, हम ज्यादा रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम निकल पड़े हैं। हां मैं दोनों दोनों मेंबर आगे निकल चुके हैं, वो मेंबर घोड़े से गए हैं, एक मेंबर पैदल गया है, पसीना पसीना हो गया है यार, अब थक गया है, अबे बैठो। तो भाई लोगों तुंगनाथ ट्रैक के बीच में देखो हमें बर्फ मिल गई, देखो ये देखो इसमें सफेद सफेद दिख रहा है, ये सब बर्फ है, देखो इसमें देखो पत्ते में सच में बर्फ ही है, छू के देख ले इसे, काट के देखो, ओ भाई लो बर्फ मिल गई, भाई लोगों मामा ने चक भी लिया, पत्ता तोड़ा और चक ली कि बर्फ है क्या, ये कंफर्म हो गया कि बर्फ है ये। लोगों दिस इज नॉट अ इजी टास्क एट ऑल, अरे घोड़ा आ गए हैं, देखो घंटी की आवाज़ आ रही होंगी, ये जबकि घोड़े नहीं होते, ये खच्चर होते हैं, बॉडी इनकी घोड़े की, मुंह इनका गधे का, उस कॉम्बिनेशन के
जो भी जानवर होते हैं उनके खच्चर कहते हैं। ठीक है, देखो। और मैं भी अब हल्के हल्के चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बैग है तो कुछ नहीं, तो 10-12 किलो तो उसमें वेट हो गई। और आज एकादशी का दिन है, पापा कुशा एकादशी है आज, और आज व्रत है मेरा, इसलिए बैग लाया हूँ, अदरवाइज मैं शायद बैग नहीं लाता। भाई लोगों, अभी मैं अकेला हूँ, जो पीछे वाले लोग हैं पता नहीं कितने पीछे हैं, आगे वाले तो जो घोड़े वोड़े से गए थे पहुँच गए होंगे मंदिर, पैदल वाले हमसे तो कोई पहुँचा नहीं है, और एक हमारे ग्रुप का मेंबर आया नहीं है ट्रैक करने, तो मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ, जो भी लॉन्ग वेज हैं वही ले रहा हूँ, पीछे बर्फ ही बर्फ है, चल रहा हूँ हल्के हल्के। काफ़ी हाइट पहुंच चुका हूँ, देखो पीछे बर्फ के पहाड़ अब ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, मगर बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी है, पूरा पानी चुस गया बॉडी का ऐसा लग रहा है, और जैकेट मैंने उतार के रख ली है बैग में। व्यू देखो, देखो वहाँ से शुरू है बर्फ इस एरिया में है, उसके बाद ये पूरी रेंज वहाँ तक बर्फ ही बर्फ है। सो भाई लोगों, ये ट्रैक है वहाँ तक, और हो सकता है वही हो मंदिर, तुंगनाथ महादेव मंदिर जो है शंकर जी का, दुनिया का, विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो सौभाग्य की बात है कि भगवान जी ने बुलाया अपने दर्शन देने के लिए। ओम नमः शिवाय।
सब बोले का वक्त तो ऑलमोस्ट आ चुका हूँ मैं। ये मंदिर है, करीब आधा किलोमीटर और होगा, यहाँ जाके एक टर्न लेना है और फिर ऊपर और फिर मंदिर तुंगनाथ महाराज के दर्शन। घर से कुछ सामग्री लाया था, मेरी मम्मी ने बताई थी तो बोले जाओ, वैसे मैं शायद खुद भी ले आता। बेलपत्र हैं, बेल हैं, भांग है, गंगा जल है गंगोत्री जी का, तो एक कुछ सामान मैं लाया हूँ अपने साथ, शंकर जी को अर्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय। भोले के वक्त तो मंदिर से कुछ ही कदम दूर, देखो ये रहा मंदिर। बस और पहुँचे 5 मिनट के अंदर, तो अपने ग्रुप के जो भी हैं अपनी टीम वाले जो घोड़ों से आए थे उनसे मुलाकात करते हैं, उन्होंने दर्शन कर लिए होंगे, उनको दोबारा कराते हैं, खुद भी करते हैं, और जो लोग पीछे हैं उनका वेट करते हैं और अच्छी सी वीडियोज़ बनाते हैं, और कोशिश करते हैं चंद्रशिला भी चले जाएँ। तो भाई लोगों, चाचा और बुआ आ चुके हैं घोड़े से, और उनसे हाय हेलो हो गई है, तो पूछ रहे हैं सबसे पहले कौन आया है। तो मैंने कहा मैं ही आया हूँ, देखो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, चाचा दर्शन कर लिए? कैसे हुआ दर्शन? इधर को आपको बताएंगे। अच्छा, हाँ साहब जी, अब बताओ भैया कितनी देर हो गई? आनंद आया। कितनी देर को आए हुए? आए हुए करीबन आधे से पौना घंटा हो गया, और दर्शन हम कर चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार अच्छे से, और आपका इंतजार था कि आप आएँ और हम लोगों से इंट्रोड्यूस कराएँ, ठीक है। और देखिए आप, आपके सामने भी है बैटरी कम फोन में पट्टा भी। ये है तृतीय केदार, ये तृतीय केदार थोड़ा सा है, और विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, 12,800 फीट की ऊंचाई है, ठीक है। तुंगनाथ जी महादेव, इसीलिए इन्हें तुंगनाथ कहते हैं क्योंकि विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर है, तृतीय केदार के नाम से विख्यात हैं, और बहुत सर्दी बहुत थी सुबह के। अभी आपको दिखाएंगे, नीचे टंकी जमी हुई है, वो आपको आपको दिखाएंगे इतना सारा बर्फ, वो भी दिखाते हैं, ठीक है। पहले आप दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ भाई, तेरा खिचू पहले
तो भोले के भक्तों, घर से मैं गंगोत्री जी का गंगा जल लाया हूँ और बेल का फल लाया हूँ, बेल पत्र लाया हूँ, भांग लाया हूँ, चढ़ाने जा रहा हूँ। पंडित जी से बात कर ली है, अब देखते हैं चढ़ाते हैं उन्हें, चढ़ाते हैं क्या कहते हैं।
भाई लोगों धूप बत्ती लाया मैं घर से, तो सारे जितने भी मंदिर हैं सब जगह लाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हमारे कुछ लोग रह गए हैं पीछे, तो जब वो आएंगे तो उनको भी लेंगे वीडियो में। फिलहाल तो तीन ही लोग आ रखे हैं मेरे अलावा, तो हम चार लोग हो गए टोटल। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन हंसाजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज सोहे, तीनों रूप में रखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ताजग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी मन वाचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुडासन वृषभहंसाजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुणमाला धारी, चंदन मुणमल चंदा सोहे त्रिपुरारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, संगादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र शुभरता, सुखकर्ता दुहरता पालन करता। ओम जय ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत वेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, एत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।
बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, इसलिए मफलर निकाल लिया। भाई चाचा भैया बहुत ठंड हो रही है। नमस्ते हो पड़ी है, देखो मफलर भी लगा रहा है तब भी जो ठंड लग रही है, जबकि धूप निकली हुई है फिर भी नमस्ते हो रही है। नमस्ते हो रही है और बस क्या कहे, गुड़गुड़ चैन हो गई। और देखो हमारे तीन घंटे लेट आ रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है कि बस भोलेनाथ इन्हें पकड़ा लेके आ रहे हैं।
ये उदक कुंड है और यहाँ पर जो भगवान का चरणामृत आ रहा है और इसी में जो चरणामृत है आप आ सकते हैं और ये भगवान का प्रसाद है, सबसे ज़्यादा कीमती प्रसाद यही है उनका चरणामृत। ये मीठा है? मीठा है। हाँ,